सर, तीसरे चरण का मतदान संपन्न होना है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है, कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है? तीसरे चरण के मतदान के लिए ललितपुर पुलिस द्वारा कमर कस ली गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। करीब 10,000 पुलिस बल जो है पूरे ललितपुर में हम लोगों ने लगाए हैं। इसमें CAPF और SAPF की करीब 42 कंपनियाँ हैं। इसके अलावा स्टेट की पुलिस फोर्स है, गार्ड्स की व्यवस्था करवाई गई है। इस तरह से जितने भी पोलिंग बूथ हैं और कानून व्यवस्था के जितने भी पिकेट और जितने भी हम लोगों ने नाके लगाए हैं, सब पर पुलिस व्यवस्था की गई है। इसके अलावा करीब 200 हमारी थाना मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल, सेक्टर मोबाइल भी हैं, जो कि पूरे क्षेत्र में अपना अपना भ्रमण करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई है। सर, तीसरे चरण का मतदान संपन्न होना, कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, कितने जोनल सेक्टर में स्टेट? जैसा आप जान रहे हैं, हमारे यहाँ 2 ACs हैं, 2 26 हरिपुर और 2 27 नेहरू में, तो दोनों मिलाकर कुल 1148 बूथ हैं। और प्रत्येक बूथ के लिए पोलिंग पार्टी में 4 लोगों को रखा गया है। इस प्रकार 5,052 लोग हम लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। 10% जो कर्मचारी रिजर्व में लगाए गए हैं, जिससे कोई परेशानी यदि जैसे कोई महिलाएँ आ रही हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, या कोई और कोई भी हमारे काम कर सकते हैं, तो वो रिजर्व से ड्यूटी उनकी लगाई जाएगी। तो पूरी पोलिंग पार्टियाँ देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर अधिकांश लोग आ गए हैं, 50% से ज़्यादा अधिकांश अधिकारी ने उनको सामग्री ले ली है, और मैं समझता हूँ वो जल्दी जो है अगले 2 घंटे के अंदर सामग्री प्राप्त कर ली जाएगी। 2 घंटे बाद जो पार्टी लगाने